Hey family, good morning. Welcome to my new vlog. तो आज हमारा vlog स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग के 7 बजे और अभी अभी मम्मी जी फिलहाल नाश्ता बना रही हैं. चलते हैं आपको दिखाते हैं. फिलहाल मम्मी जी नाश्ता बना के रेडी कर दी हैं. ये भजिया और अनुपमा फेवरेट मम्मी देख रही हैं. मैं भजिया फ्राई पैन में बना के रखूंगी. हाँ फ्राई पैन में भजिया बनाती हूँ मेरी मम्मी. नहीं मैं फ्राई पैन बना के रखती हूँ. अच्छा अच्छा. और फिलहाल सब्जी बन रही है तो ऐसे गर्म रहती है ना. बहुत सही, बहुत अच्छा गर्म रहेगी मम्मी. और मम्मी जी हाँ आज जाएंगे सुहागली खाने. और पापा जी यहाँ पे लगे हुए हैं, प्याज छाट रहे हैं. भैया लोग बारिश में भी आ जाते हैं काम करने. बाहर बढ़िया बारिश हो रही है. भैया बढ़िया काम कर रहे हैं यहाँ पे. एक भैया इधर काम कर रहे हैं. फिलहाल अभी सलमाइका में फेविकोल लगा रहे हैं. तो हाँ मम्मी जी रेडी हो चुकी हैं सुहागली खाने जाने के लिए. स्वागली में आगे पूजा होगी फिर स्वागली खाया जाएगी. मेरे को अच्छे से क्लियर नहीं. स्वागली एक पूजा ही है. हाँ? तो सारी सुहागने जो पूजा करती हैं सब मिलके प्रसाद खाती हैं. अच्छा ये बात. बड़े प्रिटी प्रिटी लग रही हैं. तो ऐसे सुहागली मनाया जाते. काफी ज्यादा आंटी लोग यहाँ बैठी हुई है. पहले चावल का चौक फोड़ लेते हैं. फिर उसके बाद उसमें कलश स्थापित करते हैं, कलश जलाते हैं और गणेश करते. इसके बाद एक पट्टा में कपड़ा डाल के उसमें चुपचुरी होती है ना उसको रखते हैं 6-7 टुकड़ा और फिर उनकी पूजा होती है. उनको एहसान बीबी नाम देते हैं. एहसान बीबी है हमारी आराध्या माता श्री के नाम से. और बस फिर उनको सब चढ़ाते हैं, पूरा प्रसाद श्रृंगार सब कुछ पहले उनको अर्पण करते हैं. फिर जो लोग पूजा करते हैं वो होती है तो एक एक ग्रुप 7 लोगों का होता है. वो पूजा करने वाली 8वीं होती है. इसी तरह जितने बोलते हैं ना जितने ग्रुप उतने लोगों की माने उतने सुहागे 1, 2, 3 ऐसे करके करते हैं. क्या करते सुहागने बुलाती हैं. जैसे किसी को बुलाते हैं तो अपन उनको पहले उनका पैर धुलाए, महावर लगवाए, फिर उनको टीका पूजा ये सब के लिए. फिर पूजा में जब माता जी का भोग हमने चढ़ाया है भोग हम उनके आंचल में अपने आंचल में उनके आंचल में भोग सभा पाव का भोग सभा पाव का होता है. कहानी सुनने के बाद माता जी प्रसाद चढ़ाती है, वो सब मिलाए उनका पूजन करते हैं. उसके बाद फिर खुद प्रसाद पाती है और प्रसाद पाने के बाद अब माता जी का सुहाग और आशीर्वाद चढ़ा के उनको और अपने लगा के माता रानी उनकी जो भी भूल चूक कमी गत हुई हो उसको क्षमा करें और सबको सबके बाल गोपाल जो है जो हम सब सभी मनोकामना उनकी पूर्ण करी है. पतियों के ऊपर होता है कि जैसे हमारा कोई कुछ हम परेशान है या कुछ भी है तो फिर हम लोग एहसान दीदी को याद करते हैं, उनको कह देते हैं कि माता हमारा सब कार्य सफल करिए तो हम आपकी पूजा करेंगे. और एक दिन के पहले चना का नहीं होता थे और एक दिन पहले सुहागने जैसे हम एक दिन पहले बताते हैं जिससे वो सुबह से दाल चावल न खा ले. चाय पानी पी सकते हैं और फल फूल ये सब नहीं खाएं क्योंकि निराहार रहने के पूजा करने का एक अलग फल है. तो उस चीज को वो लोग बरकरार रखते हैं. तो एक दिन पहले चना दे के हमको ये बुला दिया जाता है कि आप हमारे यहाँ निमंत्रित हैं माता जी की पूजा. तो आंटी जी ने सारा कुछ बताया तो आपने सुना होगा और बाकी सबको यहाँ बैठे हुए हैं. देखो अभी मोटू क्या लेके आई है. वॉच. देखो कैसी वॉच है ना मोटू. ये वॉच टाइम नहीं बताती, खाने पीने वाली वॉच है. ये देखो ये सारे कैप्सूल्स. आज तुम्हारी हवा निकाल देंगे इससे. आज इसकी हवा निकाल देंगे. बाय बाय टाटा गुड बाय. अच्छा चलो इसकी हवा निकालते हैं. कैसे? ये देखो. थोड़ा सा हवा निकल जाएगी. फुस से पतले हो जाओगे. कैसे हो जाओगे? हम दोनों साथ में आगे करेंगे. हमारा
अच्छा हाँ यार, इसको जादू दिखाना था। जादू देखना है? आओ 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 आओ, जादू दिखाते आओ आओ, यहाँ पे आओ, इधर आओ दोनों लोग। अच्छा नहीं, एक लोग आगे अंदर जाओ, एक लोग को जादू दिखाते हैं, नहीं तो दूसरे जान जाएगा जादू। हाँ यही याद दिलवाइए। और पास आओ, थोड़ा नीचे करो हाथ, थोड़ा नीचे और थोड़ी पास में ऐसे ऐसे। हाँ देखना है, ओम भूर भूर भू भू स्वाहा। अच्छा लगा ना जादू? कह रहा है एक नंबर था, अभी ये जादू देखेगी। आओ आओ यहाँ पे खड़े हो। हाँ दोनों हाथ ऐसे करो सामने, थोड़ा और पास, दोनों हाथ पास। हाँ थोड़ा सा नीचे देखना, ओम भूर भूर तिकट बिकट स्वाहा। कान धन आया ना? अच्छा जादू से देखो, दादा भी बोल रहा था। अच्छा था ना जादू? वाह वाह बेटे, घड़ी खा लो तुम, खा लो आज घड़ी। अरे भैया लोग जब से लगे हुए हैं, अब एल्युमिनियम वाला काम चालू हो रहा है, कांच लगेगा इसमें, इस वाली खिड़की पे। नहीं देखोगे जादू? नहीं। अच्छा किस तरह जादू होता है? इस ये देख चुका जादू हमारा। ओए इस तरह जादू नहीं दिखाते, आ जाओ। वो कहाँ पकड़ने गया उसको? आज इसकी हवा निकल गई, हुई हवा नहीं निकली, ओ हो बच गई। अच्छा अब कांटे छीनना पड़ेगा इसको। देखो 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 जादू जादू, ओ मिलीम लिम तकड़ बकड़ तकड़ उकड़ स्वाहा। अच्छा लगा ना? हाँ ये देखो, अब इसको जादू देखना है। आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, एक और आ रहा है, एक और जादू देखने आ रहा है। ये देखो आ गया, देखो आओ 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 जादू दिखाते आओ आओ आओ। ओम टिकट विकेट 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 ओम स्वाहा। तेरे को तो ताटता हूँ आज बेटे, टिकड़ी बिकड़ी। मजा नहीं आ रहा है। अभी वैष्णवी अपना होमवर्क दिखा रही थी कि स्कूल में ऐसे ड्राइंग बनवाया करते हैं। मम्मी बढ़िया देख रही थी, मम्मी से क्योंकि अच्छी ड्राइंग आती है बनाते, तब मम्मी बनाएंगी, मम्मी सिखाएंगे लोगों को। अभी ये लोग बनाए हैं। अभी ये देखो, इधर देखो, ड्राइंग विनायक बनाया है ना? हाँ ये देखो विनायक बैठा हुआ है और ये वैष्णवी बैठी हुई है। अच्छा ये विनायक और वैष्णवी, विनायक और वैष्णवी। तो हाँ फिलहाल अभी रात हो चुकी है और मम्मी जी अभी चाय पी रही हैं। ये देखिए मैं चाय पी रही हूँ। देखो ये अजवाइन और सौंफ और जीरे का चूर्ण है जो गर्म पानी के साथ सोने से पहले लिया जाता है, तो अच्छा रहता है। हाँ मम्मी जी मतलब अभी काढ़ा पी रही है। तो हाँ अभी फिलहाल ये टाइम सॉर्ट आउट देने का, तो आज का सॉर्ट आउट जाता है सुलोचना मंदरेई जी को। थैंक यू सो मच हमें इतना सपोर्ट करने के लिए। और हाँ ऐसे सॉर्ट आउट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अच्छे अच्छे कमेंट करते रहें। तो हाँ अभी फिलहाल हम इस ब्लॉग को एंड कर दें। तो कैसा लगा आपको अच्छा हमारा ब्लॉग, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।